दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। मतलब पहले मैं व्लॉग को ब्लॉग कहती थी, मुझे क्या पता था व्लॉग बोलते हैं, ब्लॉग ब्लॉग कर दी थी। खैर, तो आज का दिन मेरा स्टार्ट हो चुका है। नाश्ता वाश्ता मैंने सब कर लिया, मम्मी पापा लोग बाहर जा रखे हैं और आज मैं थोड़ी सी नहाई नहीं हूँ। थोड़ी सी नहीं मतलब पूरी नहीं नहाई, क्योंकि यार सर्दियों में रोज़ कौन नहाता है। नर्स हुई तो नहाई थी मैं, हाँ इतनी ठंड में यार रोज़ नहाया नहीं जाता। तो फिर अभी मैं मम्मी पापा का वेट कर रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने आज लंच पे उनके लिए क्या बनाया है। कुछ खास नहीं, क्योंकि वो लोग भी खा खा के फूल रहे हैं, तो मैं उनके लिए नॉर्मल पहाड़ी खाना जो दिन में हम लोग खाते हैं। यार ये चिंता से उठाना पड़ेगा क्या? हमारे घर पर टाइम पे कोई चीज़ें नहीं मिलती। तो ये मैंने दाल बनाया है, दाल और भी चावल रखती है, और साथ में सलाद काटूंगी तब जब वो लोग आ जाएंगे। तो मैं उन लोगों का वेट कर रही हूँ। वो लोग गए हैं कैंटीन, और जब भी कैंटीन जाते हैं, यानी कि हमारी जो आर्मी की कैंटीन होती है, और बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। तो मैंने वैसे कुछ खास तो नहीं मंगाया, पर मैंने कहा जो भी मेरी पसंद की चीज़ होगी उठा के ले आना, बस उठा के बहुत सारे पीस उठा के ले आना। तो फिर अब मैं उनका वेट कर रही हूँ। शीरो बता, तुमने पिछवाड़ा तो नहीं चाटा अपना? टट्टी जैसी बात आ रही है शीरो, ये ऐसा लग रहा है जैसा भांग पी के बैठे हो। शीरो कौन सा नशा करी हो? किसी ने तुमने मेरा मुंह कैसे चाट दिया? मैं इसको बहुत परेशान करती हूँ। मम्मी पापा के ये चिट्ठी लेके आई, मम्मी पापा आ गए, ओहो थैला गिरा दिया। शीरू के लिए कुछ लाए हो? दीदी का बैग नहीं लाए? दीदी का कैंटीन नहीं गए? कैंटीन नहीं गए? मैं यहाँ पे ऐसे ही खुश हो रही थी क्या? क्या पापा? शीरो ये लोग कैंटीन ही नहीं गए, बताओ। हम लोगों का काट दिया शीरो इन्होंने। हाँ यार, दे दिया अपने दांत का सेट। अब आप भी वो लगोगी हुस्न परी जाने जहाँ। वो क्या होता है? बोला कि अगर पसंद आएगा तभी लूंगी, बोला बोला, धमका दिया ना अच्छे। पापा थैले में कुछ लेके आए। ये यार, ये बूढ़े माँ बाप को कितनी सेवा करनी पड़ती है, इनको पानी पिलाओ जरा, फिर ऊपर से नखरे भी इनके ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, फिर बोलते हैं अरे ज़्यादा गर्म हो गया, फिर बहन से गुनगुना करके लाओ। अब मुझे पता लगा कि ये जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को घर से बाहर क्यों निकालते हैं। सही बात है यार, सही बात है। लगी है भूख, तो मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना होगा उनके लिए। खाना तो बना है, वेट अ सेकंड, खाना लगाना होगा। मम्मी खाने लग गया है यार, प्लेट तो धुली नहीं है, तेरे लिए शीरो की कटोरी में ले आऊं? मेरी बहन की थाली है क्योंकि इसकी अगले महीने शादी है, तो ये डाइटिंग पे है, इसलिए इसको चिड़िया भर का हमें खाना देना है ताकि लहंगे में फिट आ जाए। दाल थोड़ा ज़्यादा देंगे। मैंने पापा से पूछा कि कौन सा अच्छा लोगे, उन्होंने कहा लहसुन का। Please don't laugh. एक दिन ना आप और मैं ना इंस्टाग्राम के दोस्तों के साथ लाइव आएंगे। लाइव जानते हो? जिंदा मैं आपको लाइव लेके आऊंगी, ठीक है? तो पापा रेडी है मेरे, और मेरी मम्मी खाने में व्यस्त है। My dad is crazy. He's cute, not more than me. ये मेरी मम्मी लेके आई है। नहीं निकलेगा, ये बोल रहा था कुछ निकलेगा।
पापा इसको खा लूं खा लूं इसे फाड़ के जब बनाएगी तभी तो खाना अभी क्या गेस्ट आएंगे उसको दिखाओ खराब हो जाता है नहीं बोला उसने तेल तूल लगता तो आप कितनी भोली हो मम्मी वो नहीं होना चाहिए इसको पोछना मुलायम कपड़े से पोछ के हल्का गर्म पानी डाल दिन हो गया ऐसा उसके बाद तो हमारे घर कुछ भी नई चीज आती है मेरी मम्मी इतना पॉजेसिव हो जाती है इसके लिए ए ऐसे नहीं करना इसको इसको जाने नहीं करना है चला देना मैं हल्दी है मम्मी जो कलर नहीं दे रहा नाम मत मना किया हां बेइज्जती होगी वीडियो पे आई राम इसको मैं जूम करके वापस रिपीट डालूंगी अच्छा बना पापा तो ये लोग कम हाथ से ऐसे ऐसे करके खाते हैं आज इनको पता है कैमरा रिकॉर्डिंग हो रहा है सब अपना चम्मच पर्सनल चम्मच लेके बैठे हैं देखो स्ट्रगल कर रहे हैं पर चम्मच से खा रहे हैं यू मस्ट अप्रिशिएट इन लाइफ पता है इतना ही व्लॉग मैं अभी छोटे बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों के पास काम है और मेरे पास भी काम है तो जितना व्लॉग मिल रहा है एंजॉय करो और अगर देख लिया तो साले लाइक तो कर दे और लाइक करना है तो सब्सक्राइब भी कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दो जो जबरदस्ती नहीं है बस अगर लाइक नहीं किया ना मैं सुसाइड कर लूँगी ठीक है चलो ठीक है बाय।